जी बहुत शुक्रिया ललन टॉप आपका। सर सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ पे है, जो मैंने पिछले साल में देखा है सर, सबसे बड़ा मुद्दा कुछ मुद्दे मैं अंकित करवाना चाहूँ सर, क्राइम का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 1-2 सालों से पढ़ रहा हूँ, जब से मैं यहाँ से गया हूँ तो आप अपना शहर छोड़ते हैं तो एक मोह आपको टटोलता है। मैंने फेसबुक पेजेस यूट्यूब चैनल हाजीपुर का सब्सक्राइब करना चालू किया। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा भयावह लगी, जो मुझे अंदर से झकझोर रही थी, कि हाजीपुर का क्राइम रेट सर पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। और इसको लेकर सरकार या पुलिस प्रशासन उतनी तरीके से सजग नहीं है। पिछले DM पिछले SP काम कर रहे थे, पर एक चीज़ नहीं है। दूसरी बात सर, कुछ क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का भी मुद्दा है, महिलाएं उतनी सशक्त नहीं है, कमियां भी बाकी है। वो दौर दिखाओ जब बेटी में दुर्गा चंडी झांकी, मेरी कविता का एक पंक्ति है। तो सर एक ये भी है कि लड़कियां उतनी उजागर नहीं है एजुकेशन के प्रति, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि सर रोड में ना मतलब सड़कें उतनी अच्छी नहीं। सर मैं अपने व्यक्तिगत मोहल्ले की बात कर रहा हूँ सर, एक बात ये है सर, जब मैं अपने मोहल्ला देखता हूँ ना सर, तो मुझे मार्क्स और कैपिटलिज्म दोनों याद आता है। इसलिए याद आता है, मेरे मोहल्ले में यहाँ के सांसद है पशुपति कुमार पारस साहब, मैं उन्हें अभिवादन प्रकट करता हूँ। पर एक बात है सर, मोदी लहर के आगोश में सर बहुत नेता जीत गए। मैं व्यक्तिगत तंज नहीं कर रहा हूँ, पर चूंकि मैं विद्यार्थी और पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय है, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं क्वेश्चन करूँ। मेरा मीडिया में जाने की चाह है मेरी, तो मेरा ये मेरी रुचि है सर। पत्रकार हैं आप जी सर, शुक्रिया सर। एक चीज़ ये है कि मेरे मोहल्ले की आधी सड़क बनी है, आधी सड़क नहीं बनी है, और बड़े अक्षरों में लिखा है पशुपति कुमार पारस द्वारा ये शिलान्यास किया गया। सर लानत है ऐसी सड़क पे, आधा सड़क बना है, महिलाएं स्कूटी से आ रही गिर जा रही हैं, बुजुर्ग ऐसे चल रहे हैं, मेरा जींस खुद भींग गया, मैं भी उसके साथ आया हूँ ऐसे पानी हेल के। तो सर बुरा लगता है जब महिलाएं साड़ी उठा के मंदिर जा रही होती है और आधे मोहल्ले में सड़क बना है। तो सर बिजली पानी की वैसी स्थिति नहीं है, सड़क भी उतने अच्छे से नहीं बना है। एक और चीज़ मैं अंकित करना चाहूँ सर, विधायक हमारे नेता होते हैं, नेता वो होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। KGF फिल्म में बताया गया है इस चीज़ को सर, हमने कभी अपने विधायक को पिछले 4.5 साल में नहीं देखा सर। 4.5 साल के बाद जब 6 महीना बचा तो पैम्पलेट और बैनर छपवाने लगे। मुझे रंज है सर उनसे, मेरे पिताजी खुद BJP के समर्थक हैं, मोदी जी मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद, बट BJP की आइडियोलॉजी और BJP के लोग मुझे नहीं पसंद। मेरा पैतृक गांव मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद है और वो मेरे पिता के साथ क्लासमेट रहे हैं सर। पार्लियामेंट में तो जाते हैं पर पीछे से बेंच थपथपाते रहते, काम नहीं करते सर, दुख होता है ये सब चीज़ देख के। दूसरी बात ये सर कि अवधेश सिंह साहब ने क्या काम किया है, वहाँ बाजार समिति लोग जानते होंगे, इस समय यहाँ के करंट मतलब विधायक हैं और BJP की तरफ से प्रत्याशी भी हैं जी। सर अवधेश सिंह को जानते होंगे सब लोग सर, बाजार समिति में क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, अब तो खैर नहीं होता, अब तो बंद हो गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में वो टॉस करने आ जाया करते थे, कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास आ गए, राहत इंदौरी साहब आ गए तो फोटो खिंचवा के फेसबुक पर डालने के लिए आ गए, कुछ उनका काम नहीं दिखा सर। मुझे इस बात का बहुत रंज है कि मुझे पिछले 5 साल में उनका कोई काम नहीं दिखा, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। आप पूछिए, तमाम भाई बहन यहाँ पे उपलब्ध हैं, नहीं सुधरी सर एजुकेशन की क्वालिटी हाजीपुर में। मुझे रंज है इस बात की।